नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का मैं एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसा हम देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1882 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है कॉमेक्स पर। वहीं सिल्वर भी $23.8 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि सोने चांदी कीमतों में बढ़त जारी है, कल वाली लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, हरे निशान पर दोनों ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। दरअसल जो US ट्रेजरी यील्ड्स हैं उनके अंदर जो गिरावट देखने को मिली है, डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट देखने को मिली है, उसी की वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें हम देख रहे हैं कि आज है एक हल्की बढ़त बनती नजर आई है। ये सब बात करें अगर कच्चे तेल की तो देख रहे हैं कि WTI $83 पर आधे फीसदी की तेजी के साथ और ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 पर आधे फीसदी की तेजी के साथ। देख रहे हैं कि कच्चा तेल में WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल आज भी ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ब्रेंट क्रूड में पहले के मुकाबले जो लेवल्स थे वो थोड़े लुढ़के हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो सप्लाई है वो बाधित होने का अनुमान जताया जा रहा है, और दूसरा रशिया द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया जा रहा है बॉर्डर पर, जिसकी वजह से जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं, जो अमेरिकी सेना के 8,500 सैनिक हैं वो भी हाई अलर्ट पर हैं, और जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी US क्रूड की नेट की लॉन्ग पोजीशन को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कच्चे तेल में बढ़त आगे भी देखने को मिल सकती है। साल 2022 में बता रहे हैं कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो $100 के पार जाती नज़र आ सकती हैं। जो सप्लाई है वो थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है और जो डिमांड है वो उठती नज़र आ सकती है। हालांकि अभी जो हाल ही में ड्रोन अटैक हुआ था UAE पर हूतियों द्वारा, उसमें जो सप्लाई कंसर्न था वो थोड़ा बना हुआ था, बाधित भी हुई है, और जो इराक से जो टर्की के जो पाइपलाइन जाती है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हो रखी है, वहाँ से सप्लाई थोड़ी डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कच्चे तेल की जो ओवरऑल सप्लाई है वो अभी थोड़ी डिस्टर्ब देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ नाइजीरिया हुआ, काफ़ी कई सारे ऐसी जगह हैं, कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ से कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो बाधित होती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है। और भारत में भी अभी ऐसी लॉकडाउन वाली कोई सिचुएशन है नहीं जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में कोई ज़्यादा गिरावट बनती नज़र आए। भारत में अभी चुनाव हैं जिसकी वजह से लॉकडाउन नहीं लग रहा है कहीं भी, चुनाव वाले राज्यों में कोरोना के केसेस कम बताए जा रहे हैं, जबकि जो कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। चुनाव की वजह से अभी लॉकडाउन वाली स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि ना लॉकडाउन लग रहा है और जो ईंधन की जो डिमांड है वो एज इट इज़ बनी हुई है। बात करें यहाँ से अगर अब बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर $4.4 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में आधे फीसदी की गिरावट के साथ। MCX जिंक देख रहे हैं 294 पर आधे फीसदी की तेजी के साथ। MCX निकल कल को 1800 के ऊपर था, आज देख रहे हैं 1% की गिरावट बनती नज़र आ रही है और 1704 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। देख रहे हैं कि निकल में काफ़ी ज़्यादा हैवी प्रॉफिट बुकिंग बनती नज़र आई है ऊपरी स्तरों से। MCX लेड देख रहे हैं कि 1% की तेजी के साथ 185 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। देख रहे हैं कि बेस मेटल्स की जो कीमतें हैं उनमें एक मिले जुले रुझान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आज नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में क्या करके चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे MCV पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर ठीक ठाक लेवल्स पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, मिले जुला रुझान है, कल वाले जो लेवल्स थे वही आज भी देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है आज गोल्ड सिल्वर में कैसा ट्रेड देखने को मिल सकता है? देखिए, सोने और चांदी में आज इंट्राडे में बाइंग करके चलना चाहिए और बाइंग करके चलने में ही फायदा है। बाजारों में लगातार अपसाइड मोमेंटम देखने $1840 के ऊपर अगर सोना सस्टेन करता है तो $1860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी इसे रूपा जी बात करेंगे कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, अमेरिकी सोल्जर्स भी हाई अलर्ट पर हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या आगे सप्लाई और ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ऐसा कुछ अनुमान है कि आगे जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हो सकती है कच्चे तेल की? हम पहले से ही देख रहे हैं कि जो इराक से जो टर्की को जाने वाली सप्लाई है, जो पाइपलाइन है वो डिस्टर्ब हो रखी है, और अभी UAE में भी जो ड्रोन अटैक हुआ था उससे भी सप्लाई डिस्टर्ब हुई है।
देखिए कच्चे तेल में ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते फिलहाल तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कंटिन्यूशन में रह सकता है, जैसा कि लगातार हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि कच्चा तेल जो है वो नए हाई छूते हुए दिखाई दे सकता है। और मुझे लगता है कि $85 जो है इसमें अपसाइड मोमेंटम बन सकता है और WTI जो है $85 तक, जबकि ब्रेंट जो है $88 से $90 तक ऊपर जा सकता है। जी ये सर जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि निकल जो कि कल के कारोबारी सत्र में 1800 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा था, आज 1704 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। काफी हैवी प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए देखी है हमने आज। आपको क्या लग रहा है निकल में, क्या अब यहाँ से फिर से तेजी बनेगी, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और क्या रहेगी? देखिए अभी फिलहाल बाजारों में करेक्शन देखने को मिल रही है और ये करेक्शन थोड़ा सा गिरा सकती है क्योंकि लगातार हमने एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है और उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो ड्यू है और कल जैसे कि मार्केट भी बंद रहेंगे और इस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है हावी होते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव बना है और ये दबाव अब कंटिन्यूशन में रह सकता है आज के लिए फिलहाल इंट्राडे में, और मे बी डे आफ्टर टुमारो जब मार्केट खुलेंगे तब थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है कि बनता हुआ दिखाई दे, लेकिन अच्छी खासी करेक्शन है। 1800 के ऊपर अगर सस्टेन करता तो एक लंबी तेजी में जा सकता था, लेकिन फिलहाल के लिए 1640 1660 के आसपास एक बार नीचे में मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे सकता जी। रूपा जी, आप आज टॉपिक्स क्या देने चाहेंगी नॉन एग्री कमोडिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज इंट्राडे में अगर अखिलेश देखा जाए तो सोने और चांदी के अंदर बाइंग में रहना चाहिए और इसी के साथ मुझे लगता है कि कच्चे तेल में फिलहाल बाइंग करके चला जा सकता है जी। यानी कि सोना चांदी और कच्चे तेल में रूपा जी के अनुसार इन दो कमोडिटीज के अंदर बुलियंस और क्रूड ऑयल, इन दो कमोडिटीज के अंदर खरीदारी में रह सकते हैं।